चर्चा लगातार हमारी जारी है कि क्या नए साल में कुछ बड़ा होने वाला है। जो लावरोव ने दावा किया कि क्या पुतिन की हत्या की साजिश वाकई में रची जा रही है। देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है, इस साल एक के बाद एक मारे जा रहे हैं पुतिन के करीबी। पुतिन की करीबी 8 से 10 बड़ी शख्सियतों की अभी तक मौत हो चुकी है। मारे गए ज्यादातर लोग बड़ी कंपनियों से जुड़े बड़े नाम हैं, तेल गैस कंपनीज के मालिक और बड़े अधिकारी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो देखिए इसको इस तरह से समझा जा सकता है, किस तरह से पुतिन के करीबियों को एक एक करके टारगेट पर लिया गया, उन्हें मारा गया, यानी कि पुतिन को कमजोर करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। और अभी तक कौन कौन से वो बड़ी हस्तियां हैं जो कि पुतिन के बेहद करीब थे लेकिन उन्हें मारा गया, वो सभी नाम आपके सामने। पुतिन के करीबी कौन कौन से हैं? अलेक्जेंडर ट्यूवालोकोव, इसके अलावा कहां पर मौत हुई है? सेंट पीटर्सबर्ग में। कब मौत हुई है? 25 फरवरी 2022 को मौत हुई है। कौन थे ये? बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गस्प्रॉम तेल कंपनी के व्यवसायी और बेहद करीबी, यानी कि लगातार इन मौतों के जरिए पुतिन को कम करने की वीक करने की कोशिश। अगला नाम देखे, अगला नाम है मिखाइल वाटरफोर्ड का। कहां पर इनकी मौत हुई? दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में मौत हुई। कब हुई? 28 फरवरी 2022। पुतिन के करीबी यूक्रेनी ये व्यवसायी। इसके बाद अगला नाम व्लादिस्लाव अवायव, ये नाम है, मॉस्को में इनकी मौत हुई। 18 अप्रैल 2022 को इनकी मौत होती है, गज़प्रॉम बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष। अगला नाम फटाफट आपके सामने, सरगई प्रोटोसेन्या, स्पेन में इनकी मौत हुई। 19 अप्रैल 2022 को इनकी मौत हुई। दिग्गज रूसी बिजनेसमैन, यानी कि वो सभी करीबी जो कि मारे गए हैं वॉर की शुरुआत होने के बाद। अलेक्जेंडर सुबोटिन, मॉस्को में इनकी मौत हुई 7 मई 2022। रूसी तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक। अगला बड़ा नाम कौन सा है? यूरी वोरोनोव का नाम है। सेंट पीटर्सबर्ग में इनकी मौत हुई और 19 जुलाई 2022 को इनकी मौत हुई। कौन थे ये? एक्स्ट्रा शिपिंग कंपनी के ये संस्थापक थे। वो तमाम देखिए बड़े नाम बिजनेसमैन जो कि पुतिन को ताकत देते थे लेकिन इन सभी को एक एक करके साइड किया गया, इन सबको मारा गया। अगला बड़ा नाम रविल मगनोव का है। मॉस्को में इनकी मौत हुई 31 अगस्त 2022 को इनकी मौत हुई। रूस के बड़े तेल कारोबारी। अब देखिए ये तमाम नाम आ रहे हैं आपके सामने। अगला नाम क्या है? पावेल एंटोव का नाम है। ओडिशा में इनकी मौत हुई है 24 दिसंबर 2022 को इनकी मौत हुई अभी हाल ही में, और पुतिन की पार्टी के ये सांसद। तो आप देखिए ये तमाम वो नाम जो कि एक एक करके साइड किए गए यानी पुतिन से दूर कर दिए गए खात्मे के जरिए। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ है। जेके त्रिपाठी सर, एक एक करके ये जो मौतें हैं इन्हें आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे करीबी मारे जा रहे हैं पुतिन को कमजोर करके, जो आज हमने सवाल पूछा कि क्या पुतिन के दी एंड, जो लावरोव की तरफ से भी मंशा जाहिर की गई, क्या उनके दी एंड की तरफ स्टोरी बढ़ती नजर आ रही है? देखिए लावरोव ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन पब्लिकली उन्होंने स्वीकार किया है कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है 2023 में। इनफैक्ट पुतिन की हत्या की साजिश तो तभी से शुरू हो गई थी जब उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं थे, केजीबी के चेयरमैन का उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, लेकिन कई बार की कोशिशों के बाद ये नहीं हुआ। तो अब इसमें 3 पैरेलल चीज़ें चल रही। एक कि पुतिन पर तो निशाना आप साधिए ही, लेकिन उसके साथ ही उनके करीबी लोगों को धीरे धीरे करके खत्म कीजिए ताकि पुतिन कमजोर हो। मतलब पुतिन को कमजोर करने की ये बड़ी साजिश है सर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।